इसको फूड ही नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट पिज्जा बर्गर पलाव 24/7। इतना बन गया है नेपाल में अभी भी कोडो चावल है, लेकिन आप दारू बना के पी रहे हैं। देखो इतना अद्भुत अमृत आहार को आप जहर बना के, कैन यू बिलीव दिस इज हैपन? और एक भी ये बात नहीं कर रहा है। सी दिस इज द सैड स्टोरी। एक आदमी भी, एक तज्ञ भी ये बात को बाहर नहीं उठा रहा है। एंड इट हैज टेकन मिलेट मैन ऑफ इंडिया टू कम टू नेपाल एंड टेल अमृत आहार को आप जहर बना के पी रहे, बिकॉज वी हैव हील्ड कोडो चावल का अंबनी खमीर बासी पिला के ब्लड कैंसर। जस्ट लास्ट वीक 3-year-old मुस्लिम बॉय हैड ब्लड कैंसर। एवरी थर्ड डे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है बिस्तर में। व्हाट डू यू कॉल, हमारा हिंदी सही नहीं है, अभी अभी सीख रहे हैं, सो प्लीज क्षमा कर दीजिए, हमारा शब्दकोश बहुत कम है, विस्तार नहीं है। बिस्तर में, बिस्तर पे हर घंटा वहां लेट के रहता था। एवरी 3 days ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब उसको कोडो चावल का खमीर फर्मेंटेड पॉरेज पिलाने को शुरू कर दिया, 3 हफ्ते में वो घर में घूमने लगा। उसके अंदर हम सूर्य भगवान का किरण आर्का बोलते हैं। इनफैक्ट हमारा भाषा में कोडो चावल को आर्का बोलते हैं। आर्का इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज द राइजिंग सन रिलीजेस, दैट येलो ऑरेंजिश कलर व्हेन यू सी द सन, दैट्स व्हाट कैन क्योर ब्लड कैंसर। वो फ्रीक्वेंसीज आपका त्वच पर डालने को लगा, ऑल द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर हार्मोनल बैलेंस falls in place. So within 3 months they removed the transfusion. Now 6 mahine ho gaya hai. It is very difficult for the parents to hold the baby in the house. He is running around. प्राचीन अन्न है। बाइबल में भी एक जिक्र आता है कि ईसा मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को कि जाओ धर्म के प्रचार के लिए, और पूछा जाता है कि हम खाएंगे क्या, तो कहते हैं कि कोदो की बाली का वो उसको करके भिगो के उबाल के उसका भात खा लेना। जब सिख धर्म की स्थापना हुई, हुआ तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पंथ का नाम दिया, लेकिन गुरु नानक जी के समय से हुआ, यानी 10 पीढ़ी पहले। अब गुरु गोविंद सिंह का तो 450 साल हो चुका, गुरु नानक जी तो 500 वर्ष पूर्व हुए। उन्होंने लंगर पद्धति जब चालू की तो लंगर में इसी कोदो की रोटी और इसी कोदो का भात मिलता। पंजाबी में इसको कोदरा कहते हैं, तो कोदरा दी की रोटी, कोदरा दी भात। ये इतना पुराना है, इसको नष्ट कर दिया कुछ पेस्टिसाइड कंपनी ने, फर्टिलाइजर कंपनी ने,
और पर्यावरण का इतना बड़ा भारी नुकसान है। कतिपयले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधारको लागि मैले कोदो खानु पर्ने रहेछ, कोदो बाली भनेको हिजो को अन्न भन्थ्यो यो सुअन्न पो रहेछ अथवा यो श्री अन्न भनेर भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा मान्छे हामी सबैमा एक किसिमको चाहिँ सोचको विकास भएको छ र यहाँहरूले त्यो अनुसार सोध्नुभयो भन्ने जस्तो लाग्छ। म सबै साथीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर कुरालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरालाई ख्याल नगरिकन हामीले खाली मुखको चाहिँ मुख जिब्रोलाई मिठो गर्ने खालको मात्रै खानेकुराहरू हामीले खाइरहेको छौँ। हामीले मिठो होइन स्वस्थ खानेकुरा खान सिक्नुपर्छ र स्वस्थलाई एउटा हामी मानव जाति भएर जन्मिसकेपछि हाम्रो शरीरको हामीले हिफाजत गरेनौँ ख्याल गरेनौँ भने हामी एक दिन पक्कै हामीले चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले रोग व्याधी लगाएर हामीलाई चाहिँ हामी छटपटाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै हाम्रो जीवनयापनलाई चाहिँ रूपान्तरणको रूपमा हामीले खानेकुराहरूलाई रूपान्तरण गर्दै पोषण शिक्षालाई रूपान्तरण गर्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने खालको कुरा यहाँहरूले जानकारी पाउनुभएको छ। अब म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। यहाँ हाम्रो चाहिँ यो सहकार्य गर्नुहुने तिनवटा संस्थाहरू रैथाने एग्रो प्रोडक्ट द मूलमन्त्र दिल्ली र नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सा सङ्घका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र राष्ट्रिय कृषक सङ्घ महासङ्घका हाम्रा कर्मचारीदेखि हाम्रा केन्द्रीय समितिका साथीहरू सम्पूर्ण तह तबकाका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र किसान मित्रहरू जो आज आफ्नो खेतबारीलाई बाँझो राखेर आफ्नो काम थापिराखेर यहाँ कार्यक्रमलाई ध्यान दिइरहनु भयो यसको लागि धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई आज कार्यक्रम सफल पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद।